नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। दतिया सेवा सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर गत 3 फरवरी से की जा रही सरकार सहकारी समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी गई है और मध्यप्रदेश सरकार द्वारा सहकारी कर्मचारियों की प्रमुख मांग जो कि नियमित किए जाने की थी उसे पूरा करने के लिए 45 दिन का समय मांगा है। आज सहकारी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जन सुनवाई के दौरान कलेक्ट्रेट पहुंचा और हड़ताल स्थगित कर काम पर लौटने की सूचना दी। महासंघ के जिला अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि आज से हड़ताल स्थगित कर दी गई है। सरकार ने हमारे प्रदेश नेता को 45 दिन का समय मांगा है। यदि 45 दिन में हमारी मुख्य मांग नियमितीकरण की पूरी नहीं की जाती तो हम पुनः हड़ताल करेंगे। दतिया से संवाददाता अंकित जैन की रिपोर्ट। हड़ताल खत्म होने का क्या कारण है? आज मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ जिला इकाई दतिया, हम सारे लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में आज हड़ताल खत्म नहीं की, हमने हड़ताल को स्थगित किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने हमसे 45 दिन का समय मांगा है, बकाया हमारी मांगा उन्होंने मान ली है। जो हमारी और जो मांगे थी नियमितीकरण की मांग को उन्होंने 45 दिन का समय मांगा है और 45 दिन बाद अगर हमारा नहीं होता है तो हमारा पुनः आंदोलन शुरू हो जाए। स्थगित हुई है हड़ताल? स्थगित हुई है, हमारी हड़ताल खत्म नहीं हुई। हमने अपना वहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और भोपाल से जो लेटर निकली थी हमने उनको दिए, अपना जिला का हमने लेटर पैड भी लगाया, उसमें हमने सारी चीज़ें लिख रखी। कल से आप लोग कार पर लौटेंगे क्या? आपने बिल्कुल, मैंने उनको कह दिया है कि हम लोग लौट आए हैं। अब जो हमारी जगह पर बैंक के लोगों ने, बैंक के कर्मचारियों को हमारी सोसाइटी दे दी थी, कलेक्टर साहब ने उनको तुरंत बुला करके कहा कि हमारे कर्मचारी वापस आ गए हैं, इनको काम दीजिए।